लड़का हटा रहा है भाई कूदने के लिए। ये देखो, ये बहुत देर से बोल रहा था हटो ना भाई, हटो ना भाई। और असली वाला नाग रहता है? हाँ असली है, उसको पूरा लटका रहता है। वो जो नाग है उसमें? हाँ उसमें लटका रहता है। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है, मेरा नाम है हितेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपको दुर्ग का फेमस पिकनिक स्पॉट जो है महामारा घाट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों दुर्ग के महामारा घाट में और उससे लगा हुआ ये मंदिर है। अपन आगे चलेंगे तो शिवनाथ नदी है, वहां पर मुक्ति धाम वगैरह भी हैं और यहां पर बहुत सारे मंदिर हैं तो इसके बारे में भी बताऊँगा। ये प्राचीन शिव मंदिर है दोस्तों, तो चलिए पूरा मंदिर वगैरह घुमाते हैं। बहुत अच्छा लोकेशन है यहाँ का। अभी महामारा घाट में हूँ और यहाँ के मंदिर का अभी नज़ारा देख रहा हूँ। धीरे से आपको लेकर चलेंगे शिवनाथ नदी के किनारे और अभी जस्ट यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है उसे घूम रहे हैं। और मंदिर में एक छोटा सा लड़का मिला है, क्या नाम है तुम? अच्छा यहीं का देख रेख करते हैं मंदिर के? हाँ, यहीं से का देख रेख करते हैं। और कौन कौन सा मंदिर है यहाँ पर पुराना? पुराना साई मंदिर नया बना है, शिव मंदिर पुराना है, बजरंगबली पुराना, वो नया बना है, वो भी पुराना है। मतलब शिव मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर वो पुराना है? दो पुराना है, वो भी पुराना है, ये बना था। दोस्तों अभी मंदिर का जो गेट है, गेट था वो बंद था लेकिन इस लड़के ने पूरा गेट वगैरह खुलवा दिया है और अभी अंदर चलेंगे और आपको अच्छे से यहाँ पर जो मंदिर वगैरह है, मूर्ति वगैरह है, उसके आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों इस तरह का यहाँ पर मंदिर वगैरह है आप देख सकते हो, लेकिन ये दो पुराना मंदिर है। यहाँ पर है वो शिव जी का मंदिर है और इधर हनुमान जी का है। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सबका मालिक साईं बाबा जी के दर्शन कराने। और इस तरह का है दोस्तों साईं बाबा का मंदिर और आपको मैं लेकर जा रहा हूँ अंदर। तो जस्ट आप अंदर नज़ारा यहाँ का देख सकते हो, साईं जी विराजमान है यहाँ पर। जस्ट ये नंदी जी है दोस्तों और यहाँ पर है विश्वकर्मा जी हैं और उसके बाद यहाँ पर साईं बाबा के आपको दर्शन होते हैं। तो मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह का है और इस तरह के आपको दर्शन होते हैं अगर महामारा घाट में आप आते हो तो। अभी आपको लेकर जाने वाले हैं प्राचीन शिव मंदिर में और यहाँ आसपास में पूरा नाम भी लिखा हुआ है मंदिरों का कि कौन कौन सा प्राचीन है, कौन कौन सा न्यू है। तो इस तरह का दोस्तों मंदिर है और यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया गया है जिसे प्राचीन बताया जाता है। और कुछ इस तरह का है दोस्तों पूरा मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है दोस्तों। लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है और छोटे छोटे आपको शिवलिंग के यहाँ पर दर्शन होते हैं। यह है दोस्तों हनुमान जी का मंदिर, इसे भी प्राचीन बताया जाता है और यहाँ पर आपको हनुमान जी के दर्शन कराने वाला हूँ। जस्ट ये गर्भगृह में मैं पहुँच गया और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो, बहुत ही प्यारा सा मूर्ति है हनुमान जी का। तो महामारा घाट में आपको हनुमान जी के भी प्राचीन मूर्ति के दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों ये आपके सामने है शीतला मंदिर और इसमें डेट भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया है उसके। और यहाँ पर अपन चलते हैं शीतला जी के दर्शन करने और ये पहुँच गए दोस्तों मंदिर में। और इस तरह का मूर्ति है माँ शीतला का और ये काली माता, हाँ, काली माता है। नीचे काली माता है और यहाँ पर छोटे छोटे पिंड के आपको दर्शन होते हैं। ये सब और ये है दोस्तों नागदेव का मंदिर और इस तरह का यहाँ पर नागदेव का एक मूर्ति बना हुआ है जिसके सामने इस तरह के छोटे छोटे शिवलिंग रखे हुए हैं। हम लोग कर रहे हैं नागदेव के दर्शन और ये छोटू हमें बता रहा है कि यहाँ पर कभी कभार नाग भी आकर बैठा रहता है। असली वाला नाग रहता है? हाँ असली है, उसके पूरा लटका रहता है। वो जो नाग है उसमें? हाँ, उसमें लटका। कितना बार देखा है तू? मैं बहुत बार, आज कल तो नहा के निकल रहा था वहाँ पर था। अच्छा मतलब यहाँ पर निकलते हैं रोज रोज? हाँ। नाग देखने को मिल जाता? हाँ, है नाग देखने को मिल जाता है, भी है वहाँ पर। अच्छा कभी कभार यहाँ पर भी आ जाते हैं? हाँ, यहाँ पर बैठे रहते हैं। अच्छा तो इस तरह का है दोस्तों इस नागदेव का और इसका खासियत तो आपको ये बता ही रहा है। तो अभी हम लोग जो महामारा घाट है उसका भ्रमण कर रहे हैं
और हमें अभी कुछ दिखाने वाला है, क्या क्या नाम है बताए? सुंदरी। अच्छा, तो एक बछड़ा है उसका नाम है क्या? सुंदरी। तो इसका नाम है सुंदरी बता रहे हैं। और कौन? नंदी। अच्छा, एक और है उसका नाम क्या है? नंदी। नंदी है। तो चलिए आपको दिखलाते हैं क्या है और उसका नाम? उसका नाम गंगा। गंगा, चलिए दिखलाते हैं। क्या नाम है इसका? गंगा। दोस्तों, आपको शनिदेव के भी आपको दर्शन हो जाते हैं। शनिदेव का भी यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, एक छोटा सा, जस्ट मैं मंदिर के पास हूँ दोस्तों। और यहाँ से आप पूरा मंदिर का नज़ारा देखते हुए, ऐसा आगे ही शिवनाथ नदी है, जस्ट इसका आगे में डैम है और आगे आपको लेकर चलेंगे, मुक्ति धाम वगैरह भी है। और ये है यहाँ का एक और शिव मंदिर जो काफ़ी भव्य बना हुआ है, और आगे दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ का मुक्ति धाम है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस शिव मंदिर में। बारा घाट में जो पुल बना है उसके पास में आ चुका हूँ और बीच में हूँ, और इधर आप पुल का नज़ारा आप देख सकते हो। इधर से भी देखिए पुल का, और पानी देखिए इधर से छोड़ा जा रहा है, और डैम में ना अभी पानी भरा हुआ है दोस्तों। क्या है दोस्तों, हमारा घाट, और यहाँ पर इस तरह का अभी पानी का लेवल आप देख सकते हो, बिल्कुल ये ऊपर जो इसका सड़क है उसको टच कर रहा है। तब इसका गेट है, यहाँ से छोड़ा जा रहा है पानी, जो इसके दूसरे साइड आपको देख सकते हो पानी जा रहा है। और आगे भी चलेंगे, उस तरफ भी इसका मंदिर वगैरह है, और लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं, हमारा घाट में काफ़ी एंजॉय करते भी लोग दिखेंगे। और उधर से ना एक और वहाँ पर जगह है, वहाँ से लोग ऊपर में चढ़ चढ़ कर बच्चे नीचे कूदते हैं, अभी भी कूद रहे हैं वहाँ से, आपको वहाँ जाकर दिखलाता हूँ। काफ़ी ऊंचाई वाले जगह से नीचे छलांग मारते हैं पानी में, लोग देखकर डर भी जाते हैं, लेकिन लोकल है इसी वजह से ये सब कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी पहुंच चुके हैं ममरा घाट के दूसरे साइड, और यहाँ का भी नज़ारा बहुत ही प्यारा है, और इधर से आप देख सकते हो नदी को, काफ़ी गजब का नज़ारा है। और लड़का हटा रहा है भाई कूदने के लिए, ये देखो, ये बहुत देर से बोल रहा था हटो ना भाई, हटो ना भाई, और कूद दिया यहाँ से। और इधर भी बहुत सारे लड़के लोग हैं जो इस तरह की ऊंचाई से नीचे कूदते हैं, काफ़ी गहरा भाई यहाँ से, और पता नहीं ये लोग कैसे कूद देते हैं। इतना तो है कि मैं भी यहाँ से कूद दूँगा, अगर तैरने आता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं इतने ऊपर से कूदना, और जो जिसके जिसको नहीं आता वो लोग शौक़ में कूद देते हैं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और इधर का इस तरह का व्यू है पूरा महमरा घाट का दूसरे साइड से। आज की वीडियो में हमने देखा दुर्गा का फेमस पिकनिक स्पॉट और टूरिस्ट प्लेस मामरा घाट। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।